fournisseur officiel du Tour de France. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल नमस्ते फ्रांस में। दोस्तों, टूर द फ्रांस, यहाँ फ्रांस में एक बहुत बड़ी साइकिल टूर होती है जो कई फेजेस में होती है, पहाड़ों से लेकर जंगल के रास्ते, फिर शहर में, ऐसे करके 20 अलग अलग चरणों में होती है। तो मैं आपको ये आखिरी चरण की जो रेस है, साइकिल रेस, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरे घर के पास से वर्साई में, जो वर्साई पैलेस है उसके ठीक सामने से ये गुजरेगी अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग रोड के दोनों तरफ आके खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, और रेस स्टार्ट होने से ठीक पहले ये झांकियाँ चल रही हैं, जिसमें लोग, जिसमें जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए झांकियां चला रही हैं, जिसमें उनके विज्ञापन आ रहे हैं, और साथ में उसमें से लोगों को गिफ्ट के तौर पे कुछ सुवनीर या कुछ ऐसी चीज़ें फेंक रहे हैं, चाहे वो पेंसिल हो, बैग्स हो, कुछ ऐसे हैं, और लोग, आप देख सकते हैं, लोग कलेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने भी कुछ कलेक्ट किया था, पेंसिल या इस तरह की चीज़ें। तो ये पूरा यहाँ पे जो पूरी दौड़ होती है वो आई थिंक कई हज़ार किलोमीटर होती है, आई थिंक 2 या 3 हज़ार किलोमीटर की पूरी दौड़ होती है। और जो ये पूरे काफ़ी दिनों तक चलती है, आई थिंक ये पीरियड 2-3 महीने लगातार चलती रहती है, और लोगों को लगभग एक दिन में डेली लगभग 100 किलोमीटर की रेस, इसमें साइकिल की रेस कंप्लीट करनी होती है, और शायद कोई गैप नहीं होता है बीच में, तो लगातार उनको रेस करनी होती है। केवल 1 या 2 दिन का गैप होता है, बट ज़्यादातर जो फेजेस हैं वो रेगुलर होते हैं नेक्स्ट डे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है, 100 किलोमीटर डेली साइकिल चलाना और बीच में रुकना नहीं है, और उसमें भी एक बहुत अच्छी स्पीड के साथ चलाना है। तो ये झांकी है, आइए थोड़ी देर देखते हैं झांकियाँ कैसे चल रही हैं। झांकियों के साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि लोग एकदम रोड पे आके खड़े हैं, गाड़ियाँ भी जो आ रही हैं वो काफ़ी तेज़ी से जा रही हैं, तो सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस, आप देख सकते हैं कि पुलिस घोड़ों पर चल के इधर उधर लोगों को किनारे बोल रही है कि आप लोग किनारों पर रहिए। आप सामने देख सकते हैं, वो पैलेस दिख रहा है, वर्साई पैलेस आपको इसमें सीधे पीछे दिखेगा, वो आपकी छोर पे। Piché, piché. वो देखो पानी पानी फेंकने वाले भी आ गए थे। पानी नहीं था, कुछ और था।
व्हाट मस्ट मिलन तो अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर दिखने लगा है जिसमें शायद कैमरा लगा होगा, तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो साइक्लिस्ट हैं वो कहीं आसपास ही आ गए हैं। अब तो मेरे हिसाब से किसी भी क्षण वो सामने से जो पैलेस दिख रहा है आपको, वहाँ रोड है उसको किसी भी क्षण इंटर करेंगे। तो आइए आप देखते रहिए, आई थिंक बस रेस यहाँ पर पहुँचने वाली है। और ये देखिए साइक्लिस्ट आ गए हैं सामने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगले नए वीडियो के साथ मैं जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।